गुलबर्गा शहर में मौजूद जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन के अंडर गो ग्रीन विंग तैयार कर शहर के एनवायरमेंट को सुधारने के लिए काम किया जा रहा है। इसी के चलते आज गो ग्रीन विंग के जिम्मेदारों ने वार्ड नंबर 15 और 16 में फ्री प्लांट डिस्ट्रीब्यूट कर इस इलाके की आवाम को प्लांटेशन की अहमियत समझाई और किस तरह प्लांट लगाना है और किस तरह इसकी परवरिश करना है इस पर अवेयरनेस भी किया गया है। 2019 से जनता परिवार गो ग्रीन विंग के जरिए एनवायरमेंट पर काम करते आ रहा है और हर साल फ्री प्लांट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस मौके पर सिराज अब्दी, कॉर्पोरेटर ताहिर अली, खदीर अजमत उमर, मौलाना लईक के अलावा दीगर कई लोग यहां मौजूद थे। तमाम लोगों ने फ्री प्लांट डिस्ट्रीब्यूट कर कहा, गुलबर्गा शहर में झाड़ों की कमी की वजह से पानी की किल्लत हो रही है। आने वाले दिनों में अगर इसी तरह झाड़ों को नज़रअंदाज किया गया तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मौके पर तमाम लोगों ने कहा, शहर के हर शख्स की ये जिम्मेदारी है कि वो कम से कम एक झाड़ लगाएं और उसके बड़े होने तक देखभाल करें तो शहर की हालत सुधर सकती है। और अगर कोई अपने इलाकों में प्लांटेशन करवाना चाहता है तो जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन से राब्ता कर सकता है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाली हिल सर्कल रिंग रोड, गुलबर्गा। अस्सलाम वालेकुम, मैं सबसे पहले जनता परिवार के प्रेसिडेंट सिराज शाब्दी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और उसी तरह उनकी टीम को भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने शहर की ज़रूरत को देख के जो पहला स्टेप लिया वो दिल की गहराइयों से वाकई मुबारकबाद देने वाला उनका एक प्रोग्राम है। आज वार्ड नंबर 15 और 16 को दोनों को उन्होंने कम्बाइंड कर यहाँ पे बहुत से झाड़ डिस्ट्रीब्यूट किए। मैं यहाँ के लोगों से भी अपील करता हूँ, ये आज झाड़ लेकर जा रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको आप डेवलप करें, इसको अच्छी तरीके से इंस्टॉल करें और उसको अच्छी तरीके से पानी दें और आने वाले दिन ये झाड़ आपके लिए और हमारे लिए राहत बने। इस समर सीज़न में हमने महसूस किया कि हमारे गुलबर्ग का शहर में झाड़ नहीं रहने की वजह से हमको धूप का कितनी दुश्वारी हुई और आने वाले दिन पानी के लिए हमारे लिए झाड़ कितना साबित हो सकता, या आने वाले दिन इंशाल्लाह ज़रूर हमारे बच्चों को हम अवेयर करते हुए और इस प्रोग्राम में हमारा टोटली सिराज शाब्दी हो या इनकी पूरी टीम को हमारा बहुत सपोर्ट रहेगा और आने वाले दिन शायद हो सकता ये टीम पूरी फॉरेस्ट ऑफिसर के पास वो अप्रोच हो चुकी है, फिर भी हमारी ज़रूरत है उनको तो हम ज़रूर हम ग्राउंड में इनके साथ उतर कर काम करने के लिए रेडी हैं। उन्होंने हमारा काम वो अपनी जिम्मेदारी समझ कर रहे हैं, इसके लिए और एक बार उनको मुबारकबाद देते हैं। अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं सिराज शाब्दी, जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से आज यहाँ पे मक्का कॉलोनी में हमारे ताहिर भाई के वार्ड में गो ग्रीन विंग जो हमारी एक सब्सिडरी विंग है जो जनता परिवार की तरफ से, जो मुसलसल हम लोग इन्वायरमेंट के ऊपर ही कॉन्सनट्रेट करते हैं, विंग का काम ही है कि गुलबर्ग के इन्वायरमेंट के ऊपर वर्क करना। तो पिछले 2019 से हम लोग ये सीज़न को स्टार्ट करे सो है, हर 5 नवंबर को जो इन्वायरमेंट डे रहता है वहाँ पर हम 1000 प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखते हैं। लास्ट ईयर हम लोग नहीं करे क्योंकि प्लांटेशन का रेट बहुत ज़्यादा हो गया था एंड वी डोंट हैव दैट अफोर्डेबल कैपेसिटी। अभी एक अफोर्डेबल कैपेसिटी प्लांटेशन का बना, इसलिए हम लोग मिलकर कुछ प्लांट लाकर यहाँ पे मक्का कॉलोनी में ये करें और अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट ए वेरी गुड रिजल्ट। इतना अच्छा रिजल्ट हम सोचे भी नहीं थे कि 15-20 मिनट्स में पूरे प्लांटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गया हम लोगों का। इससे ये चीज़ मालूम होता है कि लोगों में बेदारी आ रही है, ये बहुत ज़रूरी है ये बेदारी आना। आपके गए वार्ड में बोरवेल का पानी सूखता, आप क्या करते, कॉर्पोरेटर को जिसके ज़िम्मेदार ठहराते, मगर आप गौर से देखिए आप लोग उसके ज़िम्मेदार हैं क्योंकि अगर आप प्लांटेशन करते तो वो पानी भी नहीं सूखता। साउथ में, गुलबर्गा साउथ में कभी सुने आप लोग के वहाँ के बोरवेल का पानी सूखा, वहाँ के लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं, नहीं हुए वहाँ पर। गुलबर्गा नॉर्थ में पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा हुई, क्यों? क्योंकि हमारे पास प्लांटेशन का अवेयरनेस नहीं है, हम प्लांटेशन नहीं करते। हम लोग ये समझते हैं कि कोई झाड़ पेड़ना बहुत बड़ा अजाब है क्योंकि वो झाड़ के पेड़, वो झाड़ के जड़ बोलते हैं ना रूट्स, वो रूट्स हमारे घरों में आते हैं, घर में लाइन क्रैक पड़ती हो पड़ती। देखिए ये सब बेकार बातें, ये सब कुछ नहीं रहता। आप अगर झाड़ पेड़ेंगे तो आपके बच्चे आने वाले वक्त में उसको मुकम्मल करेंगे। आप अपने बच्चों को क्या एजुकेशन देते वो मैंने रहता वो तो मैं आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, दूसरे वार्ड के लोगों से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ मैं कि इस प्लांटेशन के ऊपर गौर कीजिए, इन्वायरमेंट के ऊपर गौर कीजिए। हम लोगों को ज़रूरी है गुलबर्गा नॉर्थ में अच्छे इन्वायरमेंट को, ग्रीन इन्वायरमेंट को पैदा करना है यहाँ पर। और साथ ही साथ मैं खदीर, अभी ये एक्चुअली इसका पूरा क्रेडिट सिराज शाब्दी प्रेसिडेंट को बता रहे, नहीं ये असल इसके अंदर मेहनत है हमारे खदीर और खदीर के पूरे साथियों की। जो गो ग्रीन विंग बना सो है ये खदीर और उनके साथियों की वजह से बना और इसका पूरा शेय, उसका पूरा क्रेडिट जाता है खदीर और उनके साथियों को, अजमत को, ताहिर भाई को और हमारे उमर को, शेख उमर को, ये लोगों को क्रेडिट जाता है क्योंकि ये लोग मेहनत करे। ये लोग गए फॉरेस्ट ऑफिस, गए
वहाँ पर प्लांटेशन गए, वहाँ से लेकर आप लोगों को तो यहाँ पे सिर्फ झाड़ लेने से नज़र आ रहा, मगर ये 4-5 दिन का प्रोसेस है। ये 4-5 दिन मेहनत करने के बाद ये प्लांटेशन या मक्का कॉलोनी के गार्डन में यहाँ पे पहुँचे, तो इस चीज़ की कदर करिए और इंशाल्लाह ये मुसलसल करते रहेंगे। इंशाल्लाह तैयार भाई हम लोग सब मिलकर इसको मुसलसल करते रहेंगे, आज या आने वाले वक्त में और ज़्यादा पेड़ पौधे लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैं तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को प्लांटेशन का और इन्वायरमेंट के बारे में एजुकेशन दीजिए, उनको एक अच्छे से एजुकेशन दीजिए, आने वाले वक्त में यही बच्चे आपके लिए सवाब जारिया बनेंगे आपके नाम पर। ये आज बेहद मुझे खुशी महसूस हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह एक नौजवान तबका जो कि एक गलत कामों में अपना टाइम को ज़ाया करते हैं, मुझे खुशी है अब्दुल खदीर साहब और एंटर उनकी टीम से, अल्हम्दुलिल्लाह आज इन्होंने महबूब नगर में एक बहुत ही अच्छा इन्होंने कॉन्सेप्ट लिया है, दिशात फंक्शन हॉल GDA गार्डन में एक प्लांटेशन डिस्ट्रीब्यूट करने का, इतने भी लोग लेकर जा रहे हैं, मैं उनसे अपील और गुजारिश करता हूं, लेकर जाना हमारा मकसद नहीं है, उसको केयर भी करना चाहिए, इसको लगाना चाहिए, उसकी उसको पानी या थोड़ा बड़ा होने के बाद उसको जाली के टाइप में लगाकर जानवरों से बचाना चाहिए, ताकि आने वाले एक साल के बाद हम उसका जो है ना इसकी छौनी को हम महसूस कर सकें और ले सकें। और मैं ये काम यहाँ पर जो वार्ड नंबर 15 में जो काम हो रहा है हमारे खदीर भाई की टीम से, मैं ये चाहता हूँ और ये अपील करता हूँ पूरे गुलबर्गा में 1 नंबर वार्ड से लेकर 55 नंबर वार्ड तक के पूरे जितने भी नौजवान हैं करना चाहिए। अगर हम इस कदम को आगे बढ़ाएंगे तो आने वाले दिनों में, आने वाले साल में 2025 में उसके जो है ना भरपूर हम उसके फ़ायदे ले सकते हैं। मैं तमाम कॉरपोरेटर से, तमाम नौजवानों से, तमाम जितने भी बॉडीज़ होते हैं, NGOs होते हैं, मैं उनसे अपील और गुजारिश करता हूँ कि आप भी इस काम को अंजाम दीजिए, बहुत ही अच्छा काम है, उसके फ़ायदे अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिलेंगे। और मैं अल्लाह से दुआगो हूँ खदीर भाई एंटायर टीम को, अल्लाह सुबहान ताला उसका जो है ना बेहतरीन अजर दुनिया में और आखिरत में दे, और अल्लाह ताला उनको और बढ़ चढ़ कर जो है ना ऐसे ही फलाही काम करने की तौफीक दे। मैं वार्ड नंबर 15 और 16 के तमाम रहने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी मेहनत को बहुत अच्छे से कबूल किया, एक्सेप्ट किया, जिसका हमने एक्सेप्टेशन भी नहीं किया था उससे जल्दी से हमारे प्लांट्स ख़त्म हो गए। लेकिन ये सिर्फ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम नहीं था, इसके बाद आप लोगों की ये जिम्मेदारी है जो यहाँ पर से हमारे इस प्लांट्स को लेकर गए, ये सिर्फ एक प्लांट नहीं है बल्कि एक जान है, इसकी हिफाजत आप करना है, इसकी अगर हम अच्छे से हिफाजत करेंगे, इसको अच्छे से बड़ा करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा भी नफ़ा होगा, हमारी आने वाली जनरेशन का भी नफ़ा होगा। इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ इस साल भी हम करें, आगे भी करेंगे। इसके अलावा पूरे गुलबर्गा नॉर्थ में जहाँ कहीं भी प्लांटेशन को लेकर कोई प्रोग्राम करना चाह रहा है, कोई हमसे जुड़ना चाह रहा है, ऑलवेज़ कभी भी वो हमसे जुड़ सकते हैं, हम उनकी हेल्प करेंगे, उनको प्लांटेशन दिलाने में, उनको प्लांटेशन कराने में हम हमेशा उनके साथ तैयार हैं। और इसी के साथ मैं हमारे मौलाना लईस साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने आकर लोगों को एनवायरमेंट की तरफ से ये कर दिया कि जागृति फैलाई है। हमारे कृष्णा भाई, ताहिर भाई, सराज भाई का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। JP ಸಂಘಟನೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಶಂಸನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಷಯನೇ. ಈ ಸಂಘಟನೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಈ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಮ್ಮಿಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ ನಾವು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು 45-48 degrees Celsius ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಾವು ಎದುರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಪರಿಸರನ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾಳೆ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತಾರೆ, ನಾಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ JP ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಾದಂತಹ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಆ ಸಸಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅದೇ ಥರ ಸಸಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನೆ ಇರ್ಷಾದ್ ಫರ್ಮಾಯ, ಮುಸಲ್ಮಾನೋ ಮೇ ಸೆ ಕೋಯಿ ಬಿ ಕೋಯಿ ದರಖ್ತ್ ಕಾ ಪೌದಾ ಲಗಾತಾ ಹೈ ಔರ್ ವೋ ಪೌದಾ ತನಾವರ್ ದರಖ್ತ್ ಬನ್ ಜಾತಾ ಹೈ, ಫಲ್ ದೇತಾ ಹೈ ಔರ್ ಉಸ್ಸೆ ಇನ್ಸಾನ್ ಯಾ ಜಾನವರ್ ಫಾಯ್ದಾ ಉಠಾತೆ ಹೈ. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके लिए सदक़ा जारिया हो जाएगा. इंसान के लिए, ख़ास तौर से मुसलमान के लिए, मरने के बाद उसको 7 चीज़ें जो है सवाब जारिया का ज़रिया बनती हैं.
उन्हीं में से एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाब जारिया के तौर पर फरमाया कि दरख्त लगाया जाए, जब तक ये दरख्त से साया मिलेगा, फल मिलेगा और लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा तो उनके हक़ में वो सवाब जारिया का काम बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी हदीस मुबारक को जहन में रखते हुए जीपी टीम ने ये काफ़ी बेहतरीन अकदाम उठाया है और हमारे नॉर्थ के इलाके को देख करके दरख्तों की और शजरकारी की यहाँ पर जो शिद्दत को महसूस किया तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ये जो इकदाम उठाया है ये काफ़ी शुजाअतमंद है और इनके लिए हिमायत का ज़रिया है और हम सब इनके लिए दुआएं करते हैं और इनके लिए और मुबारकबाद देते हैं कि ये जिस तरीके से काम किए हैं ये इंसानियत में हर एक की जिम्मेदारी बनती है कि दरख्तों की और शजरकारी की इसमें कोशिश करें, पहल करें ताकि हमको ये दरख्त साया दे और हमको ज़िंदगी बसर करें। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bale Hill Circle Ring Road, Gulbarga.